नमस्कार मेरे सभी देशवासियों को, भाइयों और बहनों को मैं दिल से सबको नमस्कार करता हूँ। आज मेरे मन में बहुत दुख का एहसास हुआ है। मैं अपने मन में बहुत दुख महसूस किया है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ और वो सवाल ये है, सभी लोग जो है हाथ पांव सही रहने के बावजूद भगवान का भेष रूप करके हनुमान जी का रूप रहे या राम जी का रूप रहे या शिव शंकर का रूप रहे, किसी का भी रूप बना के ये लोग अपना संगठन जो है भीख मांगने वाला संगठन चला रहे। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि या क्या ये मेरे देश में, ये मेरे भारत में इसको सही ठहराया जा सकता है? अगर हाँ तो किस वजह से और क्या कारण है अगर इसको हाँ ठहराया जाए, और अगर ना जो इसको ना ठहराया जाए, क्योंकि मैं तो इसके बिल्कुल भी विरुद्ध हूँ। मेरा आज एक आदमी से, एक व्यक्ति से सामना हुआ, ऐसे ही मैं एक दुकानदार हूँ और मेरे दुकान पर वो आया और बोला जय श्री राम, भगवान के नाम पर कुछ दे। मैंने उनको पूछा कि जब भगवान आप खुद ही बन के आए हैं तो आप भीख क्यों मांग रहे हैं? तो उन्होंने मुझे आंसर कुछ नहीं दिया, बोला कि मैं यही करता हूँ और मैं सालों से कर रहा हूँ। तो मुझे वो चीज बहुत ही नकारा गवारा, क्योंकि भाई मैंने उनको फिर से पूछा, यार आपका हाथ पांव सब सही है तो मेहनत करके कमाने में आपको क्यों कष्ट हो रही है, भीख मांग से क्यों खा रहे हैं? और अगर भीख मांग रहे हो तो भीख मांगने की जैसे मांगो, हाथ पांव अपना तोड़ दो, किसी ट्रेन के सामने चले जाओ, एक पाँव एक हाथ काट लो या एक पाँव काट लो, लोग तुम पर दया करके भगवान के नाम पर दे देंगे। उसने बोला नहीं महाराज, ये वो है, बातों को घुमाने लगा और भागने लगा। मैंने उसको रोका और कहा कि भगवान के नाम पर भीख मांगना तो ठीक है, लेकिन खुद ही भगवान बन के और आप अगर गले गले घूम के भीख मांगोगे तो मुझे ये बात बहुत ही ना पसंद आई, ना गवारा आई, बहस भी हो गई उससे और मुझे बहुत गुस्सा भी आया। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या इस देश में हिंदू के ऊपर चाहे लोग कितने भी कुछ भी करे सही है क्या? मुझे बहुत गुस्सा भी आया कि आज भगवान के नाम पर तो भीख मांगना ठीक है, क्योंकि अपने देश की गरीबी रेखा जो है बहुत ही दयनीय स्थिति है। मुझे पता है इस देश में गरीबी रेखा जो है बहुत दयनीय स्थिति पर है, इतना डेवलप होने के बाद, इतना डेवलपिंग होने के बाद भी आज गरीब गरीबी है और अमीर अमीर ही बनते जा रहे, मुझे पता है, लेकिन भगवान के नाम पर उनका ही भेष बनाकर आप अगर भीख मांगोगे तो ये चीज कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और खास करके हिंदुस्तान में मेरे जैसे लोगों को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा। हाँ, लोग जाहिर करने के लिए नहीं सोचते, चलो यार नजरअंदाज कर देते, लेकिन मैं इस बात को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं कभी भी कहीं भी किसी को भी भगवान के रूप में भीख मांगते हुए अगर देखता हूँ, रोड पे, चौराहे पे, गली पे, उसी वेश में वो खाना खाते हैं, उसी वेश में वो पेशाब करते हैं, उसी वेश में वो पैखाना करते हैं, और उनके पास हाथ धोने के लिए सही से पानी नहीं रहता है। अरे
में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में बहुत ही सक्षम, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही ताकतवर नेता चुन लिया है, और वो प्रतिपल हर एक मिनट जो है गरीबों का उद्धार, गरीबों को कैसे आगे लाया जाए, ये सारे प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बनवा रहे हैं, बना रहे हैं। तो गवर्नमेंट से वो मदद ले, गवर्नमेंट के पास जाए और इस तरह की भगवान का रूप धर के, भगवान का गेटअप बना के जो भीख मांगते हैं वो ना करें, अन्यथा इसके बाद बावजूद भी अगर नहीं कुछ सुधरता है तो हम लोग कुछ बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, और इसको एक्शन लेने वाले हैं नहीं बल्कि एक्शन लेना चाहिए हम पूरे देशवासियों को, जो भी हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू भगवान को मानते हैं, तो थोड़ा सा अपने मन में जरूर विचार करना चाहिए कि हम जिस भगवान के पास जाके मंदिरों में घंटों 2400 घंटे लाइन में लग के खड़े रह के उनके एक दर्शन मात्र करने के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, और वो भगवान का रूप धर के, वो उनका गेटअप बना के दर बदर गली गली गंदगी में भटक रहे हैं और भीख मांग रहे हैं। ये बात बहुत ही बिल्कुल भी नगवारा है, बहुत ही खराब है, मैं इसके बहुत ही निंदा करता हूँ। जो भी इस लोग इस काम को करते हैं, संगठन बना के या इस कमिटी बना के वो अपने व्यापार चला रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। या तो वो हमारे धर्म के नहीं होंगे, वो हिंदू नहीं होंगे, वो बस व्यापार कर रहे हैं। और आप लोगों को हमारे तरह एक सवाल जरूर मन में उठाना चाहिए कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या नहीं। वो आते हैं, 2 रुपया देते हैं, वो चले जाते हैं। कभी आपने अपने मन में विचार करके सोचा ये बात कि हम जिस भगवान को पूजते हैं, हमने मंदिरों में पूजा करते हैं, वो हमारे दरवाजे पर आके भीख मांग रहे हैं। कभी आपने व्यापार के बारे में छोड़ी, इस बारे में कभी सोचा भी नहीं है। आप लोग सिर्फ व्यापार अच्छा हो, चलो भगवान का रूप धर के आए, भगवान ही है हमारे घर दरवाजे पर खड़ा, उनको दे देते हो। भगवान अगर आपके दरवाजे पर आएंगे ना, तो भगवान अपने स्वरूप में नहीं आते हैं। आप किसी भी महापुराण, कोई भी कहानी, कोई भी किताब उठा के पढ़ लीजिए, कहीं पर भी भगवान अपना रूप धर के किसी के दरवाजे पर नहीं गए हैं और इस तरह का भीख नहीं मांगा है। हाँ, वो जरूर किसी गरीब का रूप धर के आएंगे आपकी परीक्षा लेने के लिए, एकदम लाचार व्यवस्था में होंगे कि भाई मुझे मदद कर दे। अगर आपने उस व्यक्ति की उस समय पे मदद ना की तो आपका भगवान जो है जरूर नाराज होता है। लेकिन एक भगवान आप जिसको मानते हैं, देवी हो, देवता हो, कोई भी हो, जिस पर आपकी श्रद्धा हो, जिस पर आपकी भक्ति हो, जिनकी आप पूजा करते हैं, आपके हृदय में उनको वास दिया है, वो कभी आपके दरवाजे पर आके भीख नहीं मांगेंगे। और इस तरह का काम किसी भी धर्म में, कोई भी दूसरा धर्म छोड़ के, एक हिंदू धर्म को छोड़ के किसी भी धर्म में इस तरह का काम नहीं किया जाता है, और वो लोग इसको कतई ही पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा भगवान कहाँ पर है, मैं किनकी पूजा कर रहा हूँ, और मैं जिनकी पूजा कर रहा हूँ उनकी ताकत क्या है। अरे, हम उनके पास भीख मांगने के लिए जाते हैं और वो हमारे पास भीख मांगने के लिए आएंगे, ऐसी हमारी इतनी, हम लोगों की इतनी औकात नहीं जो कि हम उनको दें। उनका ही सब कुछ दिया हुआ है, अब हम उनको क्या दे सकते हैं? उन्हीं से तो हम सब मांगते हैं, उनका ही सारा चीज दिया हुआ है। ये दिन ये रात ये आपकी परेशानी भी है तो सब उन्हीं की देन है। आप खुश हो हैं, आप हंस रहे हैं, आप रो रहे हैं, सब उन्हीं की दी हुई। और इस तरह का काम किसी भी दूसरे धर्म में नहीं।
आप लोगों को इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए। दूसरी बात वो ये है कि हम सबको एक होना पड़ेगा। इस सब मामलों में ये छोटी छोटी बातें हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने जब शौचालय का प्रचार किया तो सारे कांग्रेस नेता जितने भी अपोजिशन वाले हैं सब उनके पीछे हाथ धो के लग गए। अब शौचालय जो है बड़ा मुद्दा बन गया है इस देश में। लेकिन आज इस देश में शौचालय होने के कारण कितना बड़ा बदलाव आया है, कितनी बीमारियों से लोग बच रहे हैं, कितना हॉस्पिटल के खर्च से बच रहे हैं जिन्होंने अपने घर में शौचालय का विस्तार किया है, शौचालय बनाया है, बनवाया है, गवर्नमेंट से मदद मिला है, गवर्नमेंट से लिया है, कुछ अपना पैसा भी लगा के थोड़ा बेहतर ढंग से बनाया है। उनसे जाके पूछिए कि डॉक्टरों से कितने खर्च हो रहे हैं। उसी तरह से ये एक छोटी सी मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैं सवाल उठाता हूँ अपने सिस्टम पर, सुप्रीम कोर्ट जो है दूसरे धर्मों के मामले में तो एकदम अपना हाथ धो लेते हैं, लेकिन आज का जो मामला है, आज का मामला ये है कि हर मंदिरों से टैक्स लिया जा रहा है। क्या मजाल है किसी गवर्नमेंट की कि मस्जिद से या गिरजाघर से जाके उन्होंने टैक्स मांगा हो, टैक्स कलेक्शन किया हो, जो भी उनके पास फंडिंग आती है उनमें टैक्स कलेक्शन करने का फंडिंग है। मुझे शर्म आती है ऐसे गवर्नमेंट पर। ये बात बहुत ही विचार करने लायक है और विचार करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना वाक्य को पूर्ण विराम देता हूँ।